महानगर के चंपा देवी पार्क में चल रहे दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर महोत्सव में कड़कड़ाती ठंड की शाम जब मशहूर प्लेबैक सिंगर मैथिली ठाकुर ने अपनी कला का सुगंध बिखेरे तो महोत्सव का माहौल महक उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से गर्माहट इस कदर छाई कि अचानक सर्दी गायब हो गई। सुमधुर स्वर की मल्लिका मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर ने सादगी से सधे स्वर संगीत से सभी को न केवल दिल जीत लिया बल्कि मिथिला और बिहार को एक बार फिर गोरक्ष भूमि पर गौरवान्वित किया। आपको बता दें, गोरखपुर महोत्सव में लोकगीत की जो धारा बही उसमें देर तक दर्शक गोते लगाते रहे। दर्शकों ने पूरे गर्मजोशी के साथ तालियां बजाकर मैथिली ठाकुर का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने भी एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति कर दर्शकों को सर्द रात में उष्मा प्रदान कर मंच से बांधे रखा। मैथिली ठाकुर द्वारा बतावा पहुना फिर कहिया ले अइबा और राम विवाह का पनिया के जहाज पलटनिया ले ले अइहा सुनाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं अपने गीतों की प्रस्तुति देने के पूर्व दिल्ली से आई मैथिली ठाकुर ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर में मैं पहली बार आई हूं, इसलिए काफ़ी उत्सुकता हो रही है। यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। भाग्यशाली हूँ कि बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर आने का मौका मिला। लोगों को देखने की जिज्ञासा भी है कि वह किस तरह सर्द मौसम में सुनने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद यह मेरा पहला ओपन कंसर्ट अत्यंत ही दिलचस्प है।
आपके YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं आपसे बस पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा, बात से मिलो बस चला दे दोस्त से। स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं भी ठाकुर को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है।